Yeah.
Thank you.
ये चप्पल। Thank you.
दिल्ली सोचपन में नागपुर स्थित दीक्षा गुरु गांधी जी इसी महीने यानी 14 अक्टूबर के दिन नागपुर में बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने लाखों उपासकों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध का ज्ञान हमें यही सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य केवल व्यक्तिगत लाभ प्राप्त करना नहीं बल्कि दूसरों की सेवा और संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए कार्य करना है। भगवान बुद्ध ने हमें मध्यम मार्ग का पालन करने की सलाह दी जो हमें अतिरेक से बचाकर संतुलन और संयम का जीवन जीने की प्रेरणा देता है। यह मार्ग हमें अपने भीतर की शांति को पहचानने और दूसरों के साथ करुणा और मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने को प्रेरित करता है। गौतम बुद्ध के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू था ध्यान मेडिटेशन। उन्होंने ध्यान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त किया और अपने अनुभव से यह सिखाया कि ध्यान से न केवल मानसिक शांति प्राप्त होती है बल्कि हमें यह जीवन की वास्तविकता को समझने में भी मदद करता है। ध्यान हमें वर्तमान क्षण में जीने अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रण पाने और अपने मन को शुद्ध करने का मार्ग दिखाता है। बुद्ध ने विपश्यना ध्यान की विशेष शिक्षा दी जो आत्म चिंतन और आत्म नियंत्रण का एक माध्यम है। उन्होंने यह बताया कि ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर के द्वंद्वों और मानसिक अशांति को शांत कर सकता है। विपश्यना का अर्थ है जैसा है वैसा देखना। यह ध्यान व्यक्ति को सच्चाई को उसके पूर्ण रूप में देखने और उसे स्वीकार करने की क्षमता देता है। गौतम बुद्ध से जुड़ी कुछ एक कहानी जो ध्यान के महत्व को और स्पष्ट करती है। एक बार बुद्ध के शिष्य आनंद ने उनसे पूछा, भगवान ध्यान का अभ्यास करने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, मान लो एक आदमी तीर चलाने का अभ्यास कर रहा है, यदि वह अपने ध्यान को केंद्रित नहीं करेगा तो उसका तीर निशाने से भटक जाएगा। उसी प्रकार हम अकेले जीवन अपने जीवन में ध्यान का अभ्यास नहीं करेंगे तो हमारे मन और भावनाओं भी इधर उधर भटकेगी। ध्यान हमें एकाग्रता और शांति देता है जिससे हम जीवन के हर कदम को सही दिशा में बढ़ा सकते हैं। यह कथा ध्यान के महत्व को स्पष्ट रूप से बताती है कि ध्यान हमारे मन को स्थिर करने और हमारे कार्यों को दिशा देने में कैसे मदद करता है। अगर हम नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करें तो हम अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर नियंत्रण कर सकते हैं। यह हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक शक्ति और धैर्य प्रदान करता है। आज की दुनिया में जहाँ हर ओर अशांति संघर्ष तनाव फैला हुआ है वहाँ बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। अहिंसा समता और ध्यान से सभी आदर्श हमारी आंतरिक उन्नति के साथ साथ बाहरी उन्नति में भी योगदान करते हैं। हम ध्यान के माध्यम से अपने विचारों को शुद्ध कर सकते हैं और अपनी आत्मा के साथ संपर्क स्थापित कर सकते हैं। गौतम बुद्ध ने बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त किया और चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। चार आर्य सत्य कौन से? नंबर एक, दुख का अस्तित्व। उन्होंने कहा संसार में हर प्राणी को दुख झेलना पड़ता है। दुख का कारण क्या है? हमारी तृष्णा और इच्छाएं ही दुख का कारण है। उसका अंत कैसे होगा? अगर हम अपनी इच्छाओं पर काबू पा लें तो दुख समाप्त हो सकता है। दुख के अंत का कौन सा मार्ग है? उन्होंने बताया अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से हम दुख का अंत कर सकते हैं। अष्टांगिक मार्ग में सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान शामिल है। इन आठ रास्तों पर चलकर कोई भी व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है और दुखों से मुक्त हो सकता है। बुद्ध का संदेश अहिंसा, करुणा और शांति पर आधारित है। वो हमेशा दूसरों के प्रति दयालुता
और मैत्री की भावना रखने की बात करते थे। बौद्ध धर्म में ध्यान मेडिटेशन को अत्यधिक महत्व दिया है, क्योंकि यह आत्मचिंतन और मानसिक शांति का मार्ग है। बुद्ध की शिक्षाओं में यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हम सभी जुड़े हुए हैं और जब तक हम दूसरों के कल्याण के लिए काम नहीं करते तब तक हम अपनी सच्ची शांति और खुशी नहीं पा सकते। आप सभी से मेरा निम्र निवेदन है और प्रार्थना है कि हम बौद्ध धर्म के इन सिद्धांतों को केवल पढ़ने और समझने तक सीमित न रखें, बल्कि उन्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। समाज के हर कोने में शांति, करुणा और प्रेम फैलाने के प्रयास करें। इसी आशा और विश्वास के चलते मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ। आप सभी को बौद्ध धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिले और जीवन में सुख, शांति, संतोष प्राप्त करें। आप सभी को पुनः शुभकामनाएं। मैं आपसे विदा लेने से पहले फिर उस प्रदेश का राजा, वो भी आपके समय में बाहर क्या होता था कि वो क्या करते हैं, राजा क्या करते हैं। तो उसने, राजा ने इस चोर को देखा कि ये क्या 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 कर रहा है। तो राजा जब बाहर रात में घूमता था तो अपना भेष बदल कर बाहर जाता था, अकेला घूमता था। तो फिर वो चोर भी, राजा भी, दोनों की मुलाकात हुई। चोर ने राजा से पूछा, तुम कौन हो? मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ। तुम कौन हो? मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ। तू काय को इधर आया? मैं बोले इधर चोरी करने का। तू काय को आया? मैं भी चोरी करने को आया। तो चलो दोनों साथ में करते हैं। फिर दोनों का भी वहाँ पर विचार हुआ। दोनों बोले आज इधर उधर नहीं चोरी नहीं, आखिरी चोरी करेंगे। वो भी राजा के महल में करेंगे, राजा के घर में चोरी करेंगे। ऐसा दोनों का तय हुआ। राजा भी उसके साथ, राजा बोलता है चलो, चोर बोलता है चलो। दोनों भी आए राजा के मन में। राजा बोला मैं यहाँ रुकता हूँ, जा अंदर की जो भी है वहाँ हीरे रखे हुए और हीरे चुरा लिए। वो बोलता ठीक है मैं जाता हूँ, इसके लिए मैं पसंद काम नहीं। लेकिन जैसे उसने देखा क्या रीति भी थी, रीति तो हम दोनों में से नहीं बांट सकते। तो उसने दो ही हीरे वहाँ पर रखा, दो हीरे लेके आया, एक राजा को दिया, उसने लिया। फिर घर में दूसरे दिन संतर्प हो गया, राजा के महल में चोरी हुई, चोरी हुई, चोरी हुई। फिर राजा ने घुमाया कि जाओ, जो कोई भी चोर हो उसे जिंदा पकड़ के लाओ, उसको फांसी देने की है। वो लोग परेशान, फिर उसको पता चला, ये परेशान होगा, घबरा गया। रात में जो चोरी किए मैंने राजा के घर पर किए हैं, लेकिन उसने बोला ठीक है, तो मेरे हाथ में आए, मैं सच बोलूंगा क्या हो भाई क्या नहीं, मैं बताऊंगा। तो फिर राजा ने प्रधान को बताया, राजा ने अपना ही रखा, वो भी वहां जाकर रखा था। और दो हीरे प्रधान को बोला, प्रधान देखो आपने इसमें हीरे कितने हैं। प्रधान जाकर गया, देख रहा है यहाँ पर हीरे दो ही। जिस पर जागे सभी के हृदय में जागे सभी के अंग अंग जागे सभी के अनंत पुण्य में अनंत गुण में धर्म की निर्माता तू, ज्ञान दाता, बुद्धि दाता। शीश पर जागे सभी के हृदय में जागे सभी के अंग अंग जागे सभी के एक राजा को दिया, उसने लिया। फिर
फिर दूसरे दिन सतर्क हो गया राजा के महल में, चोरी हुई चोरी हुई चोरी हुई। फिर राजा ने फरमाया ले जाओ जो कोई भी चोर हो उसे जिंदा पकड़ के लाओ, उसको फांसी देने की है। लोगों परेशान, फिर उसको पता चला ये परेशान होगा, घबर गया, रात में जो चोरी किए मैंने राजा के घर पर किए हैं, वो घबरा गया, उसको बुला के लिया, उसको बुला कर लेकर आए वहां पर। परेशान है, बहुत टेंशन है, बहुत दुखी है, अब क्या करूं, मैं तो रात के आदमी की वजह से आप फंस गया। लेकिन उसने बोला ठीक है, तो मेरे हाथ में आए मैं सच बोलूंगा क्या हो भाई क्या नहीं मैं बताऊंगा। तो फिर राजा ने प्रधान को बताया, राजा ने अपना इरादा वो भी वहां जाकर रखा था और वो इधर प्रधान को बोला, प्रधान देखो अपने इसमें हीरे कितने हैं, प्रधान जाकर गया देख रहा है यहाँ पर हीरे दो है। जिस पर जागे सभी के हृदय में जागे सभी के अंग अंग जागे सभी के अनंत पुण्य के द्वारा
त्रिचरणुद्ध विहार में भगवान को शिवर का ये धम्म का प्रभाव है। और आज ये जो माइक चालू है इसका श्रेय आयुष्मान हमारे समिति के वरिष्ठ सदस्य एच एन गोलाई साहब, इनकी ये जो दान है आज का साउंड के लिए, उन्होंने इस समय के लिए ये व्यवस्था की है, तो सब लोग उनको साधुकार करें। बैठो, नीचे बैठ जा, नीचे बैठ जा सब लोग। बेटो जा जगह आपको पीछे पीछे बोलना होगा। Oh.
आज के जो उमन निर्माण के लिए जो दान है संगमित्रा बागई खुशीलाल हॉस्पिटल में अभी वो भर्ती है, फिर भी आज का धम्म का कार्य उनको देखना था और दान करना था, हॉस्पिटल से कुछ ही समय के लिए छुट्टी लेके आई और उनके तरफ से भी विहार निर्माण के लिए 1000 रुपये का दान मिला है। सब लोग साधु का है। देखिए सर